नर्सिंग कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार को लेकर पीएमओ को सौंपा ज्ञापन। डीडवाना नर्सिंग कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार को लेकर पीएमओ को सौंपा ज्ञापन। जानकारी देते हुए गिरधर वर्मा ने बताया कि आज का कार्य बहिष्कार को लेकर हमने पीएमओ को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में हमने लिखकर बताया गया है कि रामेश्वरलाल गोदारा नर्सिंग ऑफिसर राजकीय जेएलएन चिकित्सालय जिला नागौर की 7 फरवरी को सड़क दुर्घटना हुई। सड़क दुर्घटना के 2 दिन बाद 10 फरवरी को हमारे साथी की मृत्यु हो गई, जिसकी एक एफआईआर होने के पश्चात भी प्रशासन द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की गई। उक्त प्रकरण की निष्पक्ष व गहनता से जांच व दुर्घटना में लिप्त वाहन को जब्त कर अज्ञात वाहन चालक को समय रहते गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसके कारण उस घटना के विरोध को लेकर समस्त राजकीय बानगढ़ चिकित्सालय डीडवाना समस्त कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा ठोस कार्यवाही एवं निष्पक्ष जाँच जब तक नहीं की जाएगी, तब तक राजकीय चिकित्सालय डीडवाना के संपूर्ण नर्सिंग अधिकारी आज दिनांक 11 फरवरी से निरंतर कार्य बहिष्कार का आह्वान करते हैं, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी इस घटना के पुलिस जाँच अधिकारी व नागौर के समस्त आला अधिकारियों की होगी। ज्ञापन देने वालों में विरोध करने वालों में वीरेंद्र भाटी, गिरधर वर्मा, सुरेंद्र नेहरा, हनुमान राजपाल, राम अवतार, गणेश चौधरी, चुन्नीलाल, अमरीश माथुर, राजेंद्र, विनोद जानी व अनेकों जन उपस्थित रहे। आज आपने पीएमओ को ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे हैं आपकी, किस लिए सौंपा है? हमारे एक सीनियर स्टाफ थे नागौर जेएलएन में, रामेश्वर जी गोदारा, जिनका एक्सीडेंट में दर्दनाक मृत्यु हो गई, जिसका अभी प्रशासन ने ना ही तो कोई मुकदमा दर्ज किया, ना ही दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। इससे नर्सिंग कर्मियों में भयंकर रोष है, और यदि दोषियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती तो पूरे नागौर जिले में कार्य बहिष्कार किया जाएगा।